प्रत्येक मानव के अंदर अपना टैलेंट छुपा होता है, प्रतिभाएं छुपी होती हैं, अनेकों संभावनाएं छुपी होती हैं। बहुत लोग आते हैं कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, बहुतों को मैं बता भी देता हूँ। कुछ लोग रह जाते हैं, सबको समय नहीं दे पाते हम। कुछ लोग अपने टैलेंट को दबा लेते हैं समाज के भय से, परिवार के डर से, या परिवार वाले उसके टैलेंट को दबा देते हैं कि कोई जैसे कहे कि मैं पेंटिंग करूँगा, मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, परिवार वाले कहते हैं अरे नहीं, हमारा कार्य नहीं ये पेंटिंग करना, कहाँ से उठा करके ले आए, नहीं कामयाब हो गए, इस पेंटिंग वेंटिंग को साइड करो और किताबें उठाओ और पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। कोई बोले कि मैं तो म्यूजिशियन बनूंगा, चारों तरफ के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं। म्यूजिशियन की तो बात छोड़ो, वो वाद्य यंत्रों को हाथ भी नहीं लगा पाता। तो इस प्रकार से बहुत लोगों का जो टैलेंट है वो दबा रह जाता है, उनको साथ नहीं मिल पाता, वो समझ नहीं पाते, सही दिशा नहीं मिल पाती, संघर्ष नहीं कर पाते, संकल्प मजबूत नहीं हो पाता, उस मार्ग पर चल नहीं पाते, लक्ष्य निर्धारित नहीं हो पाता, और बिना लक्ष्य के वहां तक पहुंचना आसान नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो देखा देखी टैलेंट उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं कि उसने सचिन को देख लिया, हर कोई बैट उठाए घूमता, मैं भी सचिन बनूंगा, मैं भी सचिन बनूंगा। सचिन कोई नहीं बनेगा, सचिन तो बन चुके। आप अपने नाम से प्रसिद्ध हो सकते हैं लेकिन सचिन तो बन चुके। कोई और रेसलिंग का देख लिया कुछ दिन तो वो फिर उसके वो भूत सवार हो गया कि मैं यही गेम करूँगा। फिर कोई गाने वाला देख लिया कि भीड़ लगी हुई थी, वो गा रहा था माइक उठा करके, अरे मुझे तो ऐसा ही बनना है। कोई मॉडल देख लिया मॉडलिंग करते हुए कि मैं तो मॉडल बनूंगा। कोई पढ़ते हुए देख लिया आईएएस बन गया, मैं तो आईएएस बनूंगा। ये देखा देखी का जो रंग है ना, ये टैलेंट नहीं होता। चलो संकल्प ले भी लिया, उसके ऊपर कार्य नहीं कर पाते, मेहनत नहीं कर पाते और अपना 100% वहां नहीं दे पाते। और जब तक हम वहां अपना 100% नहीं दे पाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, 100% प्रयास नहीं होगा, हम उसके अंदर खो नहीं जाएंगे और दिन रात 24 घंटे उस लक्ष्य को पाने के लिए जब तक हम दीवाने नहीं हो जाएंगे, पागल नहीं हो जाएंगे, उतनी मेहनत नहीं करेंगे, कोई टैलेंट निकल करके नहीं आएगा। आपके अंदर जो छुपे हुए प्रतिभाएं हैं उनको निखारने के लिए, जिस प्रकार से एक पत्थर को निखारने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार छेनी हथौड़ा चलाता है, ग्राइंडर चलाता है, काटता छांटता है, चोट पहुंचाता है, तैयार करता है, घिसता है, रंगता है, धूप छांव में रखता है, समय देता है, कितनी मेहनत होती है। लेकिन जब वो मूर्ति मंदिर के अंदर रखी जाती है, हम आप जैसे सब लोग उसके आगे नतमस्तक होते हैं, अरे बड़ी सुंदर बनाई हुई, प्रभु ने बड़ा अच्छा रूप लिया है, उस कलाकार को भूल जाते हैं जिन्होंने वो तैयार की है। तो उसी प्रकार से आपके अंदर जो कला है, जो दबी हुई है, उसको निखारने के लिए भी उस कारीगर की आवश्यकता होती है, गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में, शिक्षक के रूप में, कोच के रूप में, मित्र के रूप में, किसी न किसी रूप में उसका आना आपके जीवन में जरूरी होता है। और उसके बिना आप अपने लक्ष्य को ना पा सकोगे, न आप अपने आप को लक्ष्य के लिए केंद्रित कर सकोगे, न आप उस मार्ग पर चल सकोगे, क्योंकि बिना मार्ग का बेदी, बिना जो आपने करना है, बिना उसका मास्टर आप नहीं जान पाएंगे, इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। जब आपके ऊपर वो खड़ा हो करके एक एक पल का हिसाब लेगा, आपको तैयार करेगा, उस रास्ते के ऊपर ले करके जाएगा,
आपको चाहे आप प्यार से मानो, डांट फटकार से मानो, किसी भी प्रकार से मानो, लेकिन आपको उस दिशा में आपके लक्ष्य तक रास्ता बनाते हुए आपको वहां तक जो पहुंचा सके उसकी भी खोज करनी होगी, उसकी सुननी भी होगी, माननी भी होगी, रास्ते पर चलना भी होगा। नहीं, अकेला टैलेंट पहचानने से नहीं होगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खून पसीना बहाना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, सब कुछ भूलना पड़ेगा, तब आपकी कामयाबी दूर नहीं है। कितना दूर भागेगी कामयाबी, कैसे भागेगी, जब हम इतना मेहनत करेंगे सफलता दूर नहीं रह सकती। एक साल रह लेगी, 10 साल रह लेगी, जीवन भर सफलता आपसे नहीं भाग सकती। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अपने टैलेंट को पहचानते हुए शिक्षक को साथ लेकर के और जुनून के साथ कामयाबी की ओर बढ़िए।